गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। दिवाली वेकेशन कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद हम लोग फिर से अपनी लाइव क्लास ले रहे हैं। पीटी टू की तैयारी करेंगे और रीडर सेक्शन में हिंदी क्लास सिक्स में हम लोग हिंदी रीडर सेक्शन में चैप्टर टेन पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पीटी टू में आएगा, शहीदों के पत्र। विरासत में मिली स्वतंत्रता और उसके लिए निरंतर प्रयासों और आत्मानुभूतियों को से परिचित कराना है इसमें इसका उद्देश्य चैप्टर का। स्वतंत्रता को बनाए रखने, कौमी एकता और मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना, शहीदों के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत करना, आत्मगौरव और स्वाभिमान का एहसास कराना, ये सब यहाँ इस पाठ के उद्देश्य हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया, जिसके लिए पर्याप्त धन और हथियारों की आवश्यकता थी। ऐसे में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके कुछ साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन में जा रही सरकारी तिजोरी लूट ली। ये क्रांतिकारी घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है, जिसके लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके सभी साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। ये पत्र रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर चढ़ने से 3 दिन पहले अपनी माताजी को लिखा था, जो हम देखेंगे। गोरखपुर जेल, 16 दिसंबर 1927। पूज्य माताजी, सादा चरण वंदना। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी मात दे, महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी ममता की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास या सुख की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह ये कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को जो है सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा भी पूर्ण नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा, क्योंकि वो तो जेल में है। उन्होंने सरकारी जो तिजोरी लूटी थी किसके लिए? देश की हित के लिए, जनता के हित के लिए, हथियारों को खरीदने के लिए, और इसी वजह से उनको सजा सुनाई दी गई थी और अभी वो जेल में है, उनको अब फांसी होने वाली है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन या अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा, क्योंकि उसका बेटा जो है शहीद हुआ है इस देश के लिए। तो माता पिता का जो भी सेलिब्रिटी होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके माता पिता का भी नाम हमेशा आता ही, जैसे हमने झांसी की रानी और कभी कभी रहीम और किसी भी आप क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस है, किसी को भी ले सकते हैं आप, तो उनकी माता पिता का नाम भी इतिहास में लिखा गया है और हम लोगों को भी जानते हैं। जन्मदात्री वर दो, यानी मुझे आशीर्वाद दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय दृढ़ रहे, यानी जो मैंने निश्चय किया है किसका, देश को आजाद कराने का, वो दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं, इसी पवित्र भारत भूमि पर एक बार फिर जन्म लूं, इसी आशा के साथ तुम्हारा बेटा रामप्रसाद बिस्मिल। 19 दिसंबर 1927 को ही अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। फांसी के लिए जाते समय वे हाजियों की भांति कलमा पढ़ते रहे, जैसे कि हम लोग अपने हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं, धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह वो भी हज यानी तीर्थ यात्रा में जाते हुए जो कलमा पढ़ रहे थे। और उन्होंने उपस्थित जनता से कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वह गलत है। अशफाक उल्ला खां ने भी फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले ये पत्र लिखा था, मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आजाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आजाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। ये हमारा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हम क्या है, मार धाड़ करना जो है नहीं चाहते हैं। हम तो आजादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे।
सरकार भी अंग्रेजों को और जज भी, मतलब सरकार भी अंग्रेजों की है और जज भी, तो यहाँ से न्याय कैसे मांगे? फिर न्याय की मांग किससे करें? वो जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विश्लेषणों से पुकारा है। मतलब हमने कोई ऐसा खून खराबा नहीं किया, हमने कोई किसी को मृत्यु के घाट पर नहीं उतारा, और तब भी हमें निर्दयी कहा है बिना, जिसमें कोई दया नहीं है। बर्बर कहा, बर्बर जो धनाधन गोलियां दूसरों पर चलाता है और हत्याएं करता है, और इस तरह के विशेषणों से हमें पुकारा है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने हत्तों पर गोलियां चलवाई, बच्चों, बूढ़ों, स्त्री पुरुषों सब पर धनाधन गोलियां दागी है। तब इंसान के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था, फिर हमारे साथ ही ये सलूक क्यों? इस तरह वो अपने पत्र में ये बात लिख रहे हैं। हिंदुस्तान भाइयों, हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ ना लड़ो, रास्ते चाहे अलग हो लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन है। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आजाद हो, सब खुश रहे, आपका भाई अशफाक। इस तरह उन्होंने अपना पत्र जो है, इस तरह उन्होंने अपना पत्र को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, विराम देते हैं। और वो पहले पत्र में रामप्रसाद बिस्मिल जो है उन्होंने अपनी माँ को लिखा, और दूसरे पत्र में उन्होंने अपनी जो है दूसरे पत्र में उन्होंने अपनी जो अशफाक बिल्ला अशफाक उल्ला खां हैं उन्होंने देशवासियों को लिखा है। तो हमने देखा एक कि हम लोगों ने देखा है इस पत्र में, दोनों पत्र में पूर्व देशवासियों को संबोधित करते हुए, हाँ देशवासियों को संबोधित करते हुए लोगों ने इस पत्र को आज़ादी के लिए उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी और किस वजह से वो फांसी की सजा मिली उनको, ये हमने इस पत्र के माध्यम से पढ़ा है। और आज भी देश के किसी भी देश में अन्य गुलामी नहीं है, परंतु समाज आतंकवाद, भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और भ्रष्टाचार जैसे आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। भले गुलाम नहीं, लेकिन सब जगह ये आतंकवाद, भेदभाव तो होते ही हैं। जाति धर्म के आधार पर धार्मिक जो भेदभाव होते हैं हम लोग देखते हैं। ऐसे में शहीदों की तरह समाज सुधारकों की आवश्यकता है, और जो शांतिपूर्वक तरीके से इन बुराइयों को मिटा सके। सरहदों पर और अशांत राज्यों में दुश्मनों और आतंकवादियों से लड़ती हमारी फौजें क्रांति की प्रासंगिकता को प्रमाणित करती हैं। मिलजुल कर मुश्किलों से लड़ना जितना उस समय प्रासंगिक था उतना ही आज भी है। तो हम लोगों ने ये इस पाठ में स्वतंत्रता प्रेरणादायी ये पाठ है जो हमने पढ़ा। माइंड मैप में भी थोड़ा सा आपको रीड कर देती हूँ कि पत्र किसने किसको और कहाँ कैसे लिखा है। रामप्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल से अपनी माँ को लिख रहे थे, और अशफाक उल्ला खान ने जेल में लिखे दोनों पत्र। और दोनों लोगों ने वो पहले तो रामप्रसाद बिस्मिल ने तो अपनी माँ को लिखा है, और अशफाक उल्ला खान ने जो है देशवासियों को लिखा है। बिस्मिल की क्या इच्छा थी कि माँ के चरणों की सेवा करके जीवन को सफल बनाना, और अंतिम समय में दृढ़ निश्चय हो रहकर परमात्मा का स्मरण करते हुए शहीद होना और पवित्र भारत भूमि पर दोबारा जन्म लेना। अशफाक ने देशवासियों को क्या संदेश दिया? चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहना, आपस में व्यर्थ न लड़ना, एक होकर देश को आजाद कराना, ये सब उनके जो उन्होंने संदेश दिया लोगों को। ये पत्र हमें सिखाते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की परवाह न करना, दृढ़ निश्चय होना और देशवासियों के प्रति भाईचारा रखना। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने इस पूरे पाठ में शहीद के पत्र जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोगों ने यही देखा कि यहाँ पे जो शहीद हुए हैं जो लोग, उन्होंने किस तरह देश को आज़ादी दिलाई थी। और हमें ये पूरा पाठ इसलिए प्रेरणादायी है और शहीदों के प्रति श्रद्धा और आस्था जगाने वाला ये पूरा पाठ है। ओके भाई, ठीक है बच्चों, बाकी कंटेंट में क्वेश्चन आंसर डाल दूंगी, आप लोग भी चैप्टर को रीड कर लेंगे। ओके बाय।